चलिए फार्मास्यूटिकल, ये है फोकस आज। पहले स्ट्राइड्स फार्मा की बात कर लेते हैं। कॉर्पोरेट रडार में सितंबर सितंबर तिमाही के में कंपनी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। आय और मुनाफे दोनों में भारी कमी आई है। नतीजों पर कहां से आया है दबाव और आगे किस तरीके का है कंपनी का आउटलुक? चलते हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर आर अनंत नारायणन हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सर हाईलाइट्स बताएं इस क्वार्टर के। लॉसेस जो है वो थोड़े से कम है देन दी एस्टिमेट्स, बट क्या वजह रही? नंबर्स को कैसे समराइज करेंगे सर? नमस्कार, गुड आफ्टरनून। दिस क्वार्टर एज वेल हैज बीन अ म्यूटेड क्वार्टर फॉर अस, और द म्यूटेड क्वार्टर रीजन हैज बीन प्रेडोमिनेंटली आर यूएस बिजनेस, जहां पे प्राइसिंग प्रेशर है अभी फिलहाल, कंटिन्यूड फ्रॉम क्वार्टर वन इनटू क्वार्टर टू, एंड द प्राइसिंग इरोजन इज व्हाट हैज कॉज्ड द यूएस बिजनेस टू डी ग्रो। However, at the same time, we have seen a rebound back in our other regulated market, which grew 27% quarter on quarter, and the emerging market that grew 22% quarter on quarter. Quarter one ke comparison mein quarter two, the other reg market growth has been very clearly visible. That momentum will continue in quarter three, quarter four. Emerging market growth will continue in quarter three, quarter four. The US business, on the other hand, will continue to witness some pressure. Although we believe ki pricing pressure is now stabilized, this will take 3 to 4 quarters before the US business gets back to its original growth trajectory. The other highlight for us in this quarter has been the closing of the acquisition of the Chestnut Ridge facility along with the basket of ANDAs. That's the exciting one for us, because with that, we can now launch new products every quarter, beginning quarter one of FY23. And with all the new products coming in, we expect that over the next 3 to 4 quarters, the US business should be back on track. We will also start showing growth from quarter three and quarter four in the US, but the guidance that we gave earlier of between $225 to $250 million for the US business is now got pushed to FY23 instead of FY22. ओके, फेयर इनफ सर। यूएस बिजनेस ऑफ कोर्स मेरा अगला सवाल ही था। आपने काफी हद तक उसको रिस्पॉन्ड भी किया क्योंकि डिले किया है यूएस गाइडेंस बाय सेवरल क्वार्टर्स, और आप कह रहे हैं 3-4 क्वार्टर के बाद इट विल कम बैक ऑन ट्रैक। बट क्या चैलेंजेस फिलहाल आप देख रहे हैं वहां पर, और आर यू थिंकिंग ऑफ न्यू लॉन्चेस इन द यूएस मार्केट सर? और अगर हाँ तो कब तक और क्या प्लान्स हैं वहाँ? बिल्कुल। The reason for this has been, जो main reason है वो pricing pressure है, because हमारे जो portfolio of products है वो acute portfolio है, and the acute portfolio has been the biggest impact with the COVID outbreak in the US, because लोग mask पहनते हैं, बाहर जाते नहीं थे, तो उसके वजह से there has been impact on the acute portfolio, and with inventory lying in the channel, the impact has been on pricing. Now, in terms of new launches, as I said, हमने जो पोर्टफोलियो अक्वायर किया है फ्रॉम एंडो ऑन द चेस्टनट रिज फैसिलिटी, दैट पोर्टफोलियो इज गोइंग टू प्ले टू आर स्ट्रेंथ। इट हैज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक, एंड विद दैट वी विल प्लान टू लॉन्च। वी नाउ गॉट 20 कमर्शियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एक्विजिशन। वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अनदर 20 प्रोडक्ट्स ओवर द नेक्स्ट सेवरल क्वार्टर्स, एटलीस्ट अबाउट 5 न्यू प्रोडक्ट्स एवरी क्वार्टर। सो वी आर गोइंग टू बी बिजी इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। We have already started work for the launch of the product. So, beginning quarter one of FY23, there will be 5 to 6 new launches every quarter. Okay, 5 से 6 launches अगले क्वार्टर से, पहले क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर से हम देखना शुरू कर देंगे। काफी रोबस्ट पाइपलाइन है अगर हम लॉन्चेस की बात करें। सर पॉजिटिव थिंग्स दैट हैपन इन दिस क्वार्टर, अगर उस पर हम फोकस करें, वैक्सीन साइड पर क्या हो रहा है, क्या रेवेन्यू गाइडेंस देंगे और अपडेट क्या है बायोसिमिलर सेगमेंट का सर गोइंग अहेड? श्योर। तो वैक्सीन में द गुड न्यूज इज दैट वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट विद RDIF, एंड वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग दी वैलिडेशन एंड स्केल अप फॉर दी स्पुटनिक लाइट पोर्शन, एंड दैट इज व्हाट वी विल स्टार्ट। वी एक्सपेक्ट द कमर्शियलाइजेशन टू हैपन टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्वार्टर थ्री FY22, एंड दैट इज वेरी मच ऑन ट्रैक। एंड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वी आर बाउंड टू सप्लाई टू RDIF, एंड RDIF देन डिसाइड्स इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे वुड देन सप्लाई दैट वैक्सीन। As far as the biosimilars is concerned, हमारा जो insulin platform है, that is on track.
We've completed the phase one study. We are now applying for permission for phase three, and it's continuing to be on track as per our original plan for the insulin biosimilars. Mr. Anandan, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी किस तरीके के capex plans हैं going forward, especially in the second half of this financial year. Also, आपने launches की तो बात कर ली है, but कुछ और opportunities आप देखेंगे. आपने एक acquisition बताया company ने किया है, but is something else also on the radar? क्या ticket size है जो आप देख रहे हैं? And parallelly, are you seeing interest from some of the investors who want to come and put in money into your company? क्या आप open हैं for any private equity companies coming and picking up stake? So in terms of capex, the second half of the year is going to be as per plan. We expect capex between $6 and $8 million of capex, that is in line with the plan. So that's what it would be. As regards, I think right now our focus is focusing on getting the business back to track. So I wouldn't want to comment on any private equity interest or opportunity. The focus for the myself and the management team is really to get the business back on track, focus on the US, get the US launches, get the US business into growth. We expect from Q1 and Q2, we should have growth beginning from Q3 in the US. But more importantly, wo hamara focus hai. Our focus is on cost management. Our focus is on the pipeline that we have acquired, which will enable us to do the launches. So focus wahi pe rahega abhi filhal. Answer. और आगे पाइपलाइन है एक्विजिशन पर स्पेसिफिकली सर मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या आगे आपके एरियाज या सेगमेंट्स होंगे जहां आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं. As far as acquisition is concerned, हमने अभी अभी जो acquire किया है उसको हम stabilize करेंगे, integrate कर रहे हैं, and as I said, वहां पे जो product pipeline है वो काफी exciting है, and वो pipeline को हम launch करेंगे. फिलहाल that is where the focus is. In terms of any new acquisitions, I don't think right now we are looking at. Right now it's about leveraging the acquisition that has already been done. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए कंपनी के नंबर्स कैसे रहे, आगे किस तरीके के प्लान्स हैं, क्या है बिजनेस आउटलुक. तो ये थे स्ट्राइड्स फार्मा के मैनेजमेंट हमारे साथ बातचीत करते हैं.